बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती के बाद एनडीए के सहयोगी छिटकते जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब फिर से अपना जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। कुशवाहा बिहार और झारखंड में पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। पिछले लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा ने बिहार की 3 संसदीय और 2 विधानसभा की सीटें जीतकर रालोसपा बीजेपी की विश्वसनीय सहयोगी बनी थी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी से दूरियां बढ़ी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार की सीमा से निकलकर रालोसपा झारखंड में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। लालू प्रसाद यादव से भी आपने मुलाकात की है एम्स में? लालू जी बीमार हैं, दिल्ली पहुंचे तो मुझको लगा कि उनको जाकर देखना चाहिए, हालचाल लेना चाहिए, इसलिए हम गए। कहा जा रहा है कि आप एनडीए को छोड़ भी सकते हैं, वहाँ यूपी लालू के साथ हाथ मिला सकते हैं। अब जो लोग कह रहे हैं उनसे जाकर पूछिए। उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा झारखंड में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। झारखंड में कुशवाहा और कुर्मी जाति के मतदाताओं की आबादी लगभग 22% है, जिसमें कुशवाहा जाति 4% है। झारखंड के कई विधानसभा सीटों पर कुशवाहा जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। हजारीबाग, गोमिया, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख कुशवाहा मतदाता बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। रालोसपा अब इन मतदाताओं पर अपनी नजर बनाए हुए है। झारखंड में कम से कम 20 विधानसभा क्षेत्र है जहां कुशवाहा का डोमिनेशन है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अलग थे, हम लोग अलग थे, अलग अलग पार्टियों में थे, अब सब हम लोग एक हो गए। उसी तरह से झारखंड में पार्टिकुलर जो कुशवाहा कम्युनिटी है, हर पॉलिटिकल पार्टी निगलेक्ट कर रहा है और इसका जबरदस्त आक्रोश है कुशवाहा समाज में। इसलिए हम लोग कुशवाहा समाज को बिल्कुल एकजुट करेंगे। बिहार की राजनीति से झारखंड के इलाके में भी प्रभाव दिखाई देता है। केंद्र में मंत्री होने के बावजूद बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में उपेंद्र कुशवाहा अपने अलग सुर अलापते रहे हैं, लेकिन रालोसपा को झारखंड की जमीन में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना होगा, जिसे उपेंद्र कुशवाहा स्वीकार भी करते हैं। बिहार की घटना झारखंड को प्रभावित करती है, तो जिस तरह से हमारी पार्टी का विस्तार वहाँ हुआ है, यहाँ भी विस्तार हो सकता है। पहले से भी एक नेटवर्क हमारा है, लेकिन इसको और मजबूती देने की जरूरत है। इसलिए हमने यहाँ के लोगों से आह्वान किया है कि तमाम दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की मजबूती को यहाँ भी आगे बढ़ाएं। झारखंड में बिहार की तर्ज पर जाति आधारित पार्टियों का अपना जनाधार है, लेकिन इसके बावजूद आने वाले समय में रालोसपा के लिए राजनीतिक जमीन तलाशना कोई आसान काम नहीं है। मोदी लहर में सीट जीतकर 2014 में सफलता हासिल की थी। इस बार अगर मोदी से अलग लड़ते हैं तो साख बचाना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।